मैंने जीवन भर धर्म धारण किया है, मैंने सदा ही उचित बंध मांगा है तुमसे। मुझे अपने रथ का चक्र निकालने दो, पुनः महारथी बनने दो, धनुष धारण करने दो। अभी कुछ समय पूर्व आपने अर्जुन को भूमि पर खड़े रहकर युद्ध का आवाहन दिया था। अर्जुन अब उस आवाहन को स्वीकार करता। वो निशस्त्र है और हम निशस्त्र पर प्रहार नहीं कर सकते। ये युद्ध पूर्ण करने का समय है पार्थ। जब तक अंगराज कर्ण के हाथों में उनका धनुष है, उन्हें पराजित करना कठिन है। वो अपने प्रिय मित्र दुर्योधन को विजय तो नहीं दिला सकते, किंतु उनकी पराजय को अधिक समय तक रोक अवश्य सकते। इसलिए उनका वध करना अभी अनिवार्य है। धर्म का त्याग मत कीजिए वासुदेव, मेरे रथ का चक्र निकालने दीजिए, उसके पश्चात मैं अर्जुन के साथ अवश्य युद्ध करूंगा। और आप अपने शब्दों के शस्त्र से एक स्त्री को वैश्या कहकर अपने अधर्म का त्याग कर सकते हैं अंगराज कर्ण। तुम ऐसी स्त्री को कुलवधु कह रहे हो जो पांच पांच पुरुषों के साथ संबंध रखती है? वैश्या होती ऐसी स्त्रियां, वैश्या होती ऐसी स्त्रियां। संध्या को अब कुछ ही क्षण शेष। संकल्प लेने के पश्चात एक योद्धा को विचलित होना शोभा नहीं देता पार्थ। तीर चलाओ अर्जुन। मैंने जीवन भर धर्म धारण किया है, मैंने सदा ही उचित बंध मांगा है तुमसे। मुझे अपने रथ का चक्र निकालने दो, पुनः महारथी बनने दो, धनुष धारण करने दो। विलंब मत करो पार्थ, धनुष उठाओ। अधर्म मत करो अर्जुन, यदि तुमने अधर्म किया तो मैं भी अधर्म करूंगा। मैं ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करूंगा जिसके प्रचंड विस्फोट से इस कुरुक्षेत्र के सारे सैनिक, स्त्री पुरुष और पशु पक्षी सब चल जाएंगे। तीर चलाओ। मैं ब्रह्मास्त्र को आवाहन देता हूं। अंगराज कर्ण को अपनी विद्या का विस्मरण हो रहा है। केवल संकट समय में ही उन्हें अपनी विद्या का विस्मरण होगा पार्थ। संकट टल गया तो उन्हें अपनी विद्या पुनः प्राप्त हो जाएगी। यही उपयुक्त समय, अंगराज कर्ण का वध करो। ठहर जाओ अर्जुन, यदि योद्धा हो, महारथी हो तो ठहर जाओ। तुम एक निशस्त्र योद्धा पर प्रहार नहीं कर सकते। अभिमन्यु के अंतिम क्षण का स्मरण करो अंगराज कर्ण। जब अभिमन्यु का वध हुआ था तब उसके हाथ में ना शस्त्र थे और ना ही उसके शरीर में कोई रक्त, और उसका वध आपने किया था अंगराज कर्ण। अभिमन्यु को उसकी पीड़ा से मुक्ति दिलाने के लिए मैंने उसका वध किया था वासुदेव। उसे पीड़ा दे कौन रहा था अंगराज? दो दोपहर तक बालक को पीड़ा दी गई और आप मौन रहे अंगराज। तब धर्म का विस्मरण हो गया था, परंतु मैं आपको एक अवसर देता हूँ। सूर्यास्त होने में अभी दो घड़ियां शेष है अंगराज। यदि एक घड़ी में आपको अपनी विद्या का स्मरण नहीं हुआ तो दूसरी घड़ी में मैं अंजलि अस्त्र से आपका वध कर दूंगा। मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है भगवान परशुराम? मेरी विद्या, मेरा साहस, मेरा सामर्थ्य सब क्यों छूट रहा है मुझसे? ऐसा क्यों हो रहा है भगवान परशुराम? अंगराज कर्ण, भगवान परशुराम के शब्दों को स्मरण कीजिए। जाओ कर्ण, जीवन में एक समय ऐसा आएगा जब तुम्हारे लिए परीक्षा का सबसे बड़ा क्षण होगा, तो उसी क्षण तुम्हारी विद्या तुम्हारा साथ छोड़ देगी, लुप्त हो जाएगी, तुम्हारे किसी काम नहीं आएगी। यदि मेरे मन में असंतोष जन्मा, यदि मैंने प्रतियोगिता की, यदि मैंने बलपूर्वक
अपना अधिकार प्राप्त करने का प्रयत्न किया तो मेरा क्या दोष है वसु? जो विद्या नीति के मार्ग पर चलकर प्राप्त की जाती है वो संकट के समय में साथ छोड़ देती है। ये भगवान परशुराम का श्राप नहीं अंगराज, प्रकृति का नियम है। किंतु मैंने अथक श्रम किए थे विद्या प्राप्त करने के लिए वासुदेव, फिर मुझे क्यों मेरी विद्या का विस्मरण हो गया? विद्या प्राप्त करने का प्रयत्न आपने क्यों किया था अंगराज? क्या विद्या का महत्व जाना था आपने? क्या विद्या प्राप्त करके समाज को लाभ देने की इच्छा थी आपके हृदय में, या केवल अपने अपमान का प्रतिशोध लेने हेतु आपने विद्या प्राप्त की? वास्तव में विद्या प्राप्त करने हेतु श्रम की तो आवश्यकता ही नहीं होती, केवल एकाग्रता और समर्पण पर्याप्त है। शांत तो आत्मा का सहज गुण है। और आप बुद्धिमान, आप ही बताइए, विद्या ग्रहण करते समय मन एकाग्र क्यों नहीं रहता? जब ज्ञान को मनुष्य साधन मानता है, किसी अन्य वस्तु को प्राप्त करने हेतु ज्ञान ग्रहण करने निकलता है, तब ज्ञान ग्रहण करते समय उसका मन स्थिर नहीं हो पाता। ज्ञान उसकी आत्मा का गुण नहीं बन पाता, जैसे रंग वस्त्र का अपना गुण नहीं होता, इसीलिए सूर्य प्रकाश में तप कर रंग छूट जाता है। जो व्यक्ति अमूल्य ज्ञान का मोल जानकर ज्ञान प्राप्त करता है वो उत्तम बन जाता है, किंतु जो व्यक्ति कुछ और प्राप्त करने के आशय से ज्ञान प्राप्त करता है वो जीवन भर श्रेष्ठ बनने की स्पर्धा में लगा रहता है किंतु उत्तम नहीं बन पाता। आपने भी ज्ञान प्राप्त किया किसी आशय से, भगवान की शरण में रहकर भी आपका मन शांत नहीं हुआ, आप प्रतियोगिता करते रहे कहीं दूर बैठे अर्जुन के साथ। मैं लौटूंगा, पर इतना विश्वास दिलाकर जाता हूँ कि मैं भारतवर्ष का सबसे श्रेष्ठ धनुर्धर बनकर लौटूंगा और आपके सभी शिष्यों से श्रेष्ठ बनूंगा। ज्ञान प्राप्ति का आपका आशय ही अनुचित था, तो इस विद्या का विस्मरण कैसे नहीं होता अंगराज? कैसे नहीं करता मैं प्रतियोगिता वासुदेव? कैसे समझौता कर लेता अपने जीवन के साथ? ये समाज निरंतर ही मेरी संभावनाओं को कुचलता रहा है, मेरी शक्ति को सम्मान नहीं दिया, मेरे स्वप्नों को स्वीकार नहीं किया, सदा ही सूत पुत्र कहकर अपमानित करता रहा है मुझे। अपने पिता की बात मान लो, क्योंकि उन्हें ज्ञान है कि सूत में सामर्थ्य नहीं होता। ईश्वर की दी हुई संभावना मनुष्य का अधिकार है वासुदेव, और ये समाज किसी को उसके अधिकार से किस प्रकार वंचित कर सकता है? अवश्य ही ये घोर अपराध है राधे, जाति पाति का भेद करना और इन मिथ्या भेदों के आधार पर किसी मनुष्य को या समाज के किसी भाग को अधिकार से, अवसर से, संपत्ति से या सम्मान से वंचित रखना मानवता के विरुद्ध है। तो फिर मेरा क्या दोष है वासुदेव? यदि मेरे मन में असंतोष जन्मा, यदि मैंने प्रतियोगिता की, यदि मैंने बलपूर्वक अपना अधिकार प्राप्त करने का प्रयत्न किया, तो मेरा क्या दोष है वासुदेव? एक समय था अंगराज,